का क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, ठीक है। अगर आप सवाल नंबर तीन में देखोगे, सवाल नंबर तीन में क्या बेटा हमारे पास, कि हमें बोला गया है कि हमारे पास एक फिगर दिए गए बेटा ना, फिगर हमारे सामने ही है बेटा। फिगर आप देख रहे हो, आपके सामने फिगर ये है इस तरह, ठीक है। और ये बेटा मेरे पास क्या है, डी। ये मेरे पास क्या बेटा, ए। ये मेरे पास क्या बेटा, बी, है ना। ये फिगर देखो भैया, हमें फिगर दी गई है, हम बना रहे हैं फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सी है हमारे पास बच्चों। ये बोला है, इसमें बोला गया है कि जो ट्रायंगल है मेरे पास, इन ट्रायंगल ए बी डी और एट राइट एंगल ए, चलो सर गिवन जो हमारे पास है ना, गिवन है, तो इन पहले गिवन में यानी दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में क्या बोला गया है सर, ए राइट एंगल है, ए राइट एंगल है, इन एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू में कितना है, 90 डिग्री हमारे पास है, ठीक है। चलिए सर ये गिवन हमारे पास, सर टू प्रूफ, तो टू प्रूफ करना है। और हाँ साथ ये भी है बेटा, ये भूल गया मैं, ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ए सी परपेंडिकुलर बी डी हमारे पास है, गिवन है। तो प्रूफ जो करना है, जो टू प्रूफ करना है बेटा, क्या करना है, ठीक है जी, बताइए बेटा, बताइए बोलो। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ये हमारे पास है। और हाँ बी सी इंटू बी सी, बी सी इंटू बी सी, डी सी, और हाँ बी डी इंटू सी डी, ये हमें करना बेटा। अब सर वन बाय वन देखिए, सर ये बोला गया है कि ए बी स्क्वायर, ए बी का जो स्क्वायर है ये बराबर बी सी इंटू बी डी ना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी, बी सी इंटू में बी डी, है ना। चलिए सर अब ये क्या आ रहा है, बड़े एक आ रहा है छोटे ट्रायंगल का हिस्सा ना, ए बी स्क्वायर, यानी कि ये छोटे ट्रायंगल का साइड आ रहा है, इंटू बी सी, बी सी और इंटू में बी डी। तो कहीं नहीं यहाँ पर ना हम देख रहे हैं कि जो ये साइडें आ रही हैं वो किसके आ रही है, देखो जो ए बी साइड है ना, ए बी तो वो छोटे, वो तो इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है ए बी वाली साइड, और ये ए बी वाली साइड बड़े ट्रायंगल में भी है। जो बी सी है ना, चलो बी सी छोटे ट्रायंगल का हिस्सा है, देखो जो बी डी है ना, बी डी बड़े ट्रायंगल का हिस्सा है। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि हमें एक छोटा ट्रायंगल और उसके साथ हमें एक बड़े ट्रायंगल को लेना होगा, तो हम इस सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो बेटा एक काम करिए, प्रूफ में क्या करिए, दो ट्रायंगल पकड़िए, दो कोसेव ट्रायंगल, ठीक है। जैसे मान लो दो ट्रायंगल ऐसे कर लो आप, इन ट्रायंगल एक पकड़ो, बड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला मतलब आप जो देख रहे हो, इन ट्रायंगल आपने बोल दिया बी ए डी, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड इन ट्रायंगल बी सी ए, ठीक है। दो ट्रायंगल लेंगे हम, देखो जो जो बी, जो हमारे पास बी ए डी ट्रायंगल है उसमें एंगल एक 90 डिग्री का है, यानी एंगल बी ए डी। और जो बी सी ए ट्रायंगल है, जो बी सी ए ट्रायंगल है उसमें एंगल सी 90 डिग्री का है, तो एंगल बी सी ए ईच 90 डिग्री। दूसरा जो हमारे पास जो बी ए डी ट्रायंगल है उसमें एंगल भी 90 डिग्री का, सॉरी एंगल ए, बी ए डी ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है और बी सी ए ट्रायंगल में भी एंगल बी आ रहा है ना। देखो बी ए डी ट्रायंगल में भी एंगल बी आ रहा है और बी सी ए ट्रायंगल में भी एंगल बी आ रहा है, दोनों में एंगल बी आ रहा है। अच्छा ऐसे कर दो आप, एंगल एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल, अच्छा बी एंगल है कोई, ठीक है सर। तो बट ऐसे कर लो आप, एंगल ए बी डी बराबर एंगल सी बी ए, क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा, यानी कि ट्रायंगल बी ए डी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी सी ए। बेटा कौन से रूल से,
एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब देखो बेटा, अब अगर दोनों सिमिलर हो गए तो बेटा एक चीज देखो, अभी चले इनमें ध्यान देने वाली बात यह है, हम जानते हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर आपको लोकेश जी, है ना। देखो बेटा हम क्या करेंगे, ए बी, ठीक है, ए बी है, ए बी के अपॉन में क्या आएगा, बी सी इक्वल टू ए डी के अपॉन में कितना आएगा बेटा, ए डी के अपॉन में कितना आएगा, सी ए, ए सी और बी डी, बी डी के अपॉन में कितना आएगा बेटा, ए बी, ए बी आएगा ना। अब आप देखिए ऐसे कौन सी चीज़ जो दो जगह आ रही है, जैसे ए बी यहाँ भी आ रहा है और ए बी यहाँ भी आ रहा है, तो आपने उसी लाइन को लिख दो आप जो दो जगह आ रहा है, यानी यहाँ ए बी आ रहा है ना, तो ऐसे कर दो ए बी अपॉन में बी सी, है ना, और ए बी कहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है ना, बी डी अपॉन में ए बी। हमने इन्हीं दोनों को इसलिए लिखा क्योंकि हमें चाहिए ए बी स्क्वायर, तो ए बी यहाँ भी आ रहा है, ए बी यहाँ भी आ रहा है, अब इन्हें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ए बी को जब ए बी से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और बी सी को मल्टीप्लाई करो बी डी से, बी सी डॉट बी डी, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट बी डी। ये एक तो हमारा प्रूफ हो चुका बेटा, एक हो गया प्रूफ, ठीक है। अच्छा अब बात करें अगर अगला, हम अगला में क्या बोला गया, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर है ना इंटू बी सी इंटू डी सी, बी सी इन है ना, क्या बेटा बी सी इंटू डी सी, है ना, बी सी इंटू डी सी। अच्छा यहाँ पर ना ऐसे दो, जो पहले वाला क्वेश्चन था ए बी स्क्वायर इक्वल टू वाला, इसमें क्या था कि हमें छोटे ट्रायंगल के साथ बड़ा ट्रायंगल लेना था। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी है ना, यहाँ पर ए सी, यहाँ पर आ रहा है ए सी, ये दोनों ए सी, दोनों ए सी जो है वो दोनों छोटे ट्रायंगल का हिस्सा है, जो बी सी है, जो बी सी है वो इस ट्रायंगल का हिस्सा है, जो डी सी है वो इस ट्रायंगल का हिस्सा है, तो यहाँ पर जो बी ए डी बड़ा ट्रायंगल है उसका कोई साइड प्रूव करना ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल लेना होगा, क्या समझे। अब एक काम करते हैं, उससे पहले, उससे बढ़िया एक काम कर लेते हैं हम, अगर हम नंबर थर्ड देखें, यहाँ क्या बोला गया है, ए डी स्क्वायर, क्या ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू बी डी इंटू सी डी, तो एक काम कर लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर ना इस बीच वाले को करने के बजाय थर्ड वाला कर देते हैं, कैसे, उसे फायदा क्या होगा हमें। देखो अभी मैंने इस वाले ट्रायंगल को बड़े वाले के सिमिलर प्रूव किया, अगले में थर्ड वाले में क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल को पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर देंगे, तो जब ये ट्रायंगल भी इसके सिमिलर हो जाएगा और ये ट्रायंगल भी बड़े वाले के सिमिलर हो जाएगा तो उससे क्या होगा, ये दोनों छोटे आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो एक काम करो बीच वाले को रहने दो, अभी थर्ड वाले पे आते हैं, पहले बीच वाला अपना आप हो जाएगा, नहीं तो फिर काम काम में बीच वाले के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो एक काम करो ये पकड़ो लास्ट वाला, मतलब एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल पकड़ो, यानी तो एक तो पकड़ो आप ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी ए डी, इसको साइलेंट करो, इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल है ना, ऐसे करते ना साइलेंट, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड इन ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल बी ए डी और इसके साथ छोटा वाला ट्रायंगल, पर इसी तरीके से लेना, जैसे ये बी ए डी, ठीक है जी। अच्छा जो अगला ट्रायंगल लेना, मुझे ये लेना ना, ठीक है, बी ए डी, ठीक है जी, तो आप क्या लोगो ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, फायदा क्या हुआ, मैंने इसको इस वाले ट्रायंगल को ए सी डी ही क्यों लिखा है, क्यों देखो, क्यों यहां पे लास्ट में डी, यहां पे लास्ट में डी आ रहा है, इसमें भी ए बड़े वाले में ए 90 डिग्री का है और छोटे वाले में सी 90 डिग्री का है ना, तो आप लिखो एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल ए सी डी के,
ईच 90 डिग्री का है और साथ साथ एंगल दोनों में यहां भी एंगल डी, यहां भी एंगल डी, तो ऐसे कर दो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल सी सी डी ए, एंगल सी डी ए दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब बेटा जब दो ट्रायंगलों में दो दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, यानी ट्रायंगल बी ए डी सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल ए सी डी के। बेटा कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो इसका मतलब क्या है, साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें आ रहा है ए बी, यहां पर ए बी, यहां पर आ रहा है ए बी, यहां पर आ रहा है ए सी, इसमें आ रहा है ए डी और इसमें आ रहा है सी डी, इसमें बी डी और इसमें ए डी, है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए ए डी स्क्वायर, हमें चाहिए ए डी स्क्वायर। तो ए डी कहां कहां आ रहा है, ए डी इसमें भी आ रहा है और ए डी इसमें भी आ रहा है, तो उन्हीं को लिखो, ए डी अपॉन में सी डी बराबर बी डी अपॉन में ए डी। तो एक काम करो, ए डी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए डी से। तो ए डी, जब ए डी को मल्टीप्लाई करोगे ए डी से, ए डी स्क्वायर, और बी डी को मल्टीप्लाई करो सी डी से, तो जाएगा बी डी डॉट सी डी, बी डी डॉट सी डी, है ना। एक ये भी प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो बेटा सॉरी, ये बी ए डी ट्राइंगल किसके सिमिलर है, बी सी ए। ये बी ए डी ट्राइंगल सिमिलर है बी सी ए के। यहां पर सेम बी ए डी ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ए सी डी के। मतलब ये छोटा ट्राइंगल भी पूरे बड़े के सिमिलर है और ये वाला छोटा ट्रायंगल भी पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है ना। आप इनको इक्वेशन मान सकते हो, जैसे आपने दो मिनट के लिए, ठीक है जी, तो आप इसको ना ऐसे मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको मान लो फर्स्ट और बेटा इसको मान लो सेकेंड। तो ऐसे लिख दो आप, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, है ना। बट यहां पर लिख दो आप क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से बेटा क्या हो जाएगा कि दोनों छोटे ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला छोटा ट्रायंगल भी पूरे बड़े ट्रायंगल का सिमिलर है और ये वाला छोटा ट्रायंगल भी पूरे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। तो ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यदि हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी के। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल, यानी बी सी के अपॉन में ए सी। यहां पर आ रहा है ए सी, ए सी के अपॉन में सी डी, और यहां पर आ रहा है ए बी, और यहां पर आ रहा है ए डी। अब हमें चाहिए क्या, हमें प्रूफ करना, हमें क्या क्या करना बेटा, प्रूफ ए सी स्क्वायर। देखो ए सी कहां आ रहा है, ए सी इस वाले में भी ए सी आ रहा है और इस वाले में भी ए सी आ रहा है। तो इन्हीं को लिखो, इन्हीं को नीचे लिख दो, बी सी अपॉन में ए सी बराबर ए सी अपॉन में सी डी। अब ए सी को अगर हम ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी से तो कितना हो जाएगा, अब बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे सी डी से, बी सी डॉट सी डी। तो बेटा ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना, थर्ड वाला हो गया। बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फोर दिया है ना, सवाल नंबर चार में क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे
वो ये कहता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का, मैंने बना दिया, पर वो कह रहा है राइट एंगल है, तो राइट एंगल बना देंगे। कह रहा है ए बी से राइट एंगल ट्रायंगल है वो सी पर है, कहाँ पर है, सी पर, तो मैंने ए बी सी ट्रायंगल बना दिया और ये सी पर है राइट एंगल 90 डिग्री का। और वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है ए बी से राइट एंगल ट्रायंगल है, साथ साथ वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मतलब साइड साइड बराबर हो, दो साइड बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब उसने ये नहीं बोला कौन से दो साइड बराबर है, और ये आपको डिसाइड करना कौन से दो होगी, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस, तो ए बी तो हाइपोटेन्यूस हो गया। अब हाइपोटेन्यूस तो सबसे बड़ी साइड होती है हिंदी में, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो वो तो किसी और के बराबर हो नहीं सकती, वो सबसे बड़ी भुजा है ना, तो यानी इसका मतलब उसने अगर बोला है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ए सी और बी सी आपस में बराबर होंगे। गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए सी बी 90 डिग्री सॉरी और ए सी इक्वल टू बी सी, तो प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर। अब जब भी कोई ऐसे प्रूव करना है ना कि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, और आपके पास एक ही ट्रायंगल हो तो आपने थ्योरम 6.8 पढ़ा है, थ्योरम 6.8 में ठीक है जी, थ्योरम 6.8 में बेटा क्या हमने क्या देखा, पाइथागोरस थ्योरम, थैंक यू बेटा, ठीक है, थ्योरम 6.8 में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम भी तो है, तो यानी बेटा गिवन टू प्रूफ, प्रूफ पे आ जाओ, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने पर। बेटा सर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आपने पढ़ा है कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये सब बच्चों को कम से कम याद होने चाहिए, ये आप कम से ये आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हिंदी में लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, एसी क्या है परपेंडिकुलर, बेटा बेस, बेस जो लेटा होता है, जो क्या होता है लेटा है वो बेस, और जो सामने होता है जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड वो हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी है। अब बेटा थोड़ा मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों एसी हमें आंसर में एसी चाहिए चाहिए, अच्छा एसी को मैं लिख रहा हूं एसी, सर बीसी, क्योंकि प्यारे बच्चों क्योंकि एसी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है, एसी और बीसी दोनों एक जैसी साइड है, इसलिए जहां पर बीसी लिखा गया है मैं वहां पर एसी लिख सकता हूं, ठीक है, और उस साइड क्या है एबी है ना, अच्छा आप यहां ऐसे लिख सकते हो क्योंकि एसी किसके बराबर है, ठीक है, बिकॉज ए सी इक्वल टू बी सी है ना, अब ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, दो ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर में ए सी स्क्वायर जोड़ोगे कितना हो जाएगा, दो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, हो तो क्या दो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, दो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, क्या लिखोगे बेटा, इति सिद्धम, ठीक है बेटा, तो देखो बेटा ये क्वेश्चन 4 आसान था, ऐसे ही हमारे पास सारे क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, सिंपल है ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत भाई साहब है, दिक्कत भाई साहब, पर सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 में आप देखोगे कि सर हमें बताया गया है, आप ध्यान से पढ़ोगे, कहता है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, चलो लिख दिया गिवन, इन ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी क्या है,
कह रहे कि ए सी किसके बराबर है, बी सी, ए सी किसके बराबर है, बी सी के, ये भी गिवन है। और ये भी दे रखा है कि ए वी स्क्वायर किसके बराबर है, टू ए सी स्क्वायर, ये भी गिवन है। तो प्रूव करना है जो ट्रायंगल ए बी सी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हम ऐसे बोले कि एंगल ए सी बी क्या है, 90 डिग्री का, मतलब सी को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। देखो जो पिछला वाला क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन 4 था, वहां पर मुझे एंगल सी 90 डिग्री दे रखा था और ये प्रूव करना था, यहां पर उल्टा है, ये गिवन है और ये 90 प्रूव करना है, क्यों मानसू जी, है ना। चलिए गिवन टू प्रूव, प्रूव पे आ जाओ, ठीक है। देखो जब जब भी, अब एक काम करो, अब यहां पर हम सर क्या यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्यों, 90 डिग्री नहीं है। जब पाइथागोरस थ्योरम कहां लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एक काम करते हैं, जो जो गिवन है अब उसका यूज करते हैं, जो गिवन है उसका यूज करते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इस बार उन्होंने एग्जामिनेशन से थ्योरम 6.9 हटा दी है, ठीक है, जो पाइथागोरस का कन्वर्जन होता है वो हटा दिए, तो यहाँ पर 6.9 थ्योरम लग रही है। तो मे भी हो सकता है ये सॉल्व एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ना हो, ना आए, क्योंकि थ्योरम 6.9 ही नहीं है, ठीक है, पर हमें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है। देखो सर, तो एक काम करो, ये ए वी स्क्वायर किसके बराबर है, 2ac स्क्वायर, ये क्या है बेटा, ये क्या है, गिवन है, गिवन है ए बी स्क्वायर। अब अगर भंडारी 2ac स्क्वायर है, अगर भंडारी जी 2ac स्क्वायर को मैं ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर लिखता हूं, तो मैंने कोई पाप कर दिया, दो बार तोड़ दिया, अब 2 है तो 1 + 1 2 ही आता है। अब ए बी स्क्वायर तो ऐसे ही है और ए सी स्क्वायर भी ऐसे ही है भंडारी जी, क्योंकि ए सी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है, ए सी और बी सी आपस में क्या है, बराबर है। जहां पर ए सी है मैंने वहां क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया, यहां लिख देंगे, क्योंकि ए सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। अब भंडारी आप ये बताओ, मैंने ए सी बराबर बी सी लिख दिया है ना, अब इसको फोकस, यहां फोकस मारो प्यारे बच्चों, ये हो रहा है ए बी स्क्वायर, क्या ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हालांकि मैंने आपको थ्योरम 6.9 कराया नहीं है, पर मैंने आपको समझाया था कि अगर कहीं पर ऐसा हो रहा होगा कि एक किसी एक साइड का स्क्वायर जो है ना, वो दो अलग अलग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा हो, अगर कहीं पर भी एक साइड का स्क्वायर दो अलग अलग साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब जो बड़ा, यही बड़ा तो है, जो अकेला वो बड़ा है, जो बड़ा साइड होगा ना उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का, ये तो है। तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे बाई बाई कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्जन पाइथागोरस थ्योरम एंगल एसीबी, एंगल एसीबी इक्वल टू में 90 डिग्री, एंगल एसीबी क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री का हो जाएगा, एसीबी सर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। आदित्य जी बोलिए, बोले बोलिए, क्या दिक्कत, क्या नहीं आया, बोलो बोलो,